भारत में मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला को तैयार करने का रोडमेप है नई शिक्षा नीति। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग आई BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आदर्श विद्या निकेतन पुष्कर मार्ग द्वारा ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया। भारत अपने अतीत में विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ के नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय संपूर्ण विश्व में शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में जाने जाते थे, जिनसे इस राष्ट्र की आवश्यकता और आदर्श मानव मूल्यों के अनुरूप विद्यार्थियों को निर्माण सतत होता था। भारत सरकार द्वारा 34 वर्षों बाद लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 एक बार फिर भारत में मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला को तैयार करने का रोडमेप है। शिक्षा नीति को बहुत श्रेष्ठ लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया है। यह विचार आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय पुष्कर मार्ग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार ने पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति जहां एक ओर भारतीय संस्कृति के आदर्शों को शिक्षा से जोड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर यह व्यावसायिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान के साथ शोध प्रकार प्रवृत्ति को विकसित कर 12वीं तक आते जाते विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की भी व्यवस्था करती है। वेबिनार में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने इस शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों का विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में वेबिनार के संचालक प्रधानाचार्य भूपेंद्र उड़ाना ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी देश का भविष्य कैसा होगा इसका आदर्श प्रतिमान उस देश की शिक्षा नीति होती है, इसलिए प्रत्येक जागरूक नागरिक को इसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।